से लोगों के साथ क्या होना चाहिए? सर घर में बैठ के तो कोई कुछ नहीं सोच सकता है, अगर दम में तो बाहर निकल के देखें। अगर उनके हाथ में कुछ है तो हम हाथ में हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते ना। हमारे पास फोर्स है, इंडियन आर्मी है, और भी लोग हैं, आज जागरूक हो चुके हैं सारे बंदे, सबको अपने लिए लड़ने के लिए क्षमता है। राम मंदिर का एक टॉपिक है जिसको आगे लोग लेकर कंसर्न में है कि यहाँ पर धमकी दी गई है, बट प्रायर लोगों को ये देखना चाहिए कि यहाँ पर लोग भुखमरी से मर रहे हैं, खाना नहीं मिलता है, बेरोजगारी है, सरकार को इस चीज़ के ऊपर कदम उठाने चाहिए। जिन्होंने धमकी दी है उनको उड़ा दो। मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक स्ट्राइक करने में बहुत माहिर है। ऐसे कभी हुआ आज तक? धमकी तो रोज आती है। नहीं कभी आएगा ऐसा हुआ? दरबार साहब को उड़ाने की धमकी आई है, ऐसा हुआ कभी? होता कभी? लेकिन हमारे देश में। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे, News 24 सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं मार्केट में आया हूं और लोगों के यहां से लोगों से जानना चाहता हूं कि जैसे मोहम्मद आतंकवादी जो पाकिस्तानी ग्रुप है हमारे देश में राम मंदिर को उड़ाने का जो साजिश रचा और धमकी दिया है, इसमें पूरे देश में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही। राम मंदिर उड़ाने के लिए जो उन्होंने उनका वीडियो ऑडियो क्लिप आउट हुआ है, तो दोस्तों आज मैं पब्लिक से बात करके आपको दिखाता हूँ कि इस पर पब्लिक की क्या राय है, पब्लिक क्या सोच रही है, हमारे देश में इसमें क्या विचारधारा इस पर है। तो आगे मैं बात करके आपको दिखाता हूँ। आपका नाम? सर लोकू पांडे। पांडे साहब, ये बताएं कि आतंकवादियों ने धमकी दिया है कि राम मंदिर को उड़ा देंगे जी, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? सर घर में बैठ कर तो कोई कुछ नहीं सोच सकता है, अगर दम में तो बाहर निकल के देखें। अगर उनके हाथ में कुछ है तो हम हाथ में हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते ना। हमारे पास फोर्स है, इंडियन आर्मी है, और भी लोग हैं, आज जागरूक हो चुके हैं सारे बंदे, सबको अपने लिए लड़ने के लिए क्षमता है। कोई किसी को देखो, दिन में सपने देखने का काम लोगों का, कोई भी बैठ के मैं भी देख सकता हूँ सपने कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता हूँ, बट ऐसा तो कुछ है नहीं। उसके लिए जिगर चाहिए, और जिगर घर में बैठ के नहीं होता है। अगर तुम्हारे अंदर दम में बाहर निकलो, हम हाथ में हाथ पकड़ के नहीं रह सकते भाई, हमारे पास इंडियन आर्मी, हम खुद चलेंगे, हम लोग भी तो हैं। अच्छा साहब ये बताएं, ये जो ऑडियो क्लिप जो जारी हुआ है, ये जैश मोहम्मद जो ग्रुप है आतंकवादी ग्रुप, उन्होंने किया है जी, तो ये बताएं कि आए दिन अभी इन्होंने कश्मीर में 12 लोगों को मार दिया मस्त में जी, कितने घायल भी हुए जी, आए दिन ये लोग कोई ना कोई हरकत कर रहे हैं जी, कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद गिराई गई है तो राम मंदिर को उड़ाना हमारा फर्ज बनता है, इस पर क्या कहना? सर एक्चुअली बात ये है, जो इन्होंने ये हमले किए हैं, हाँ वो तो है, हमें ये ऐसा करना चाहिए जैसे इन्होंने हमारे साथ किया है ना, हमें भी उनके साथ करना चाहिए, ऑन द स्पॉट खोज के गोली मार देनी चाहिए, मैटर ही क्लोज हो जाए। अच्छा ये बताएं कि ऑन द स्पॉट खोजना तो इतना आसान इन लोगों को है ना, सेना तो सर्च अभियान तो चला रही है ना? सर तो सर्च अभियान अगर चला रही है तो कामयाबी हमें मिलेगी, हम पूरे जुनून के साथ लगे हुए हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए। और बाबरी मस्जिद की बात है, बाबरी मस्जिद गिराई गई या कुछ हुआ, इससे पहले जब राम मंदिर था तो उससे पहले इन्होंने कब्जा ही किया था, अब आज हमारा टाइम है, हमने कब्जा कर लिया। और इतनी क्षमता अगर इनके अंदर है कि राम मंदिर गिर जाएगा तो ये सपना इनका सपना ही रहेगा, साकार नहीं होने वाला। अच्छा ये बताएं तो क्या आपको लग रहा है कि जो बाबरी मस्जिद का मामला है, राम मंदिर का मामला, ये भविष्य में भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता क्या? देखो भाई अब कुछ नहीं होने वाला, अब ना हिंदू समाज जागृत तो हो चुका है। आपका शुभ नाम? रविंदर। रविंदर कौर। रविंदर मैम ये बताएं कि आतंकवादियों ने धमकी दिया है कि राम मंदिर को उड़ा देंगे, क्या राय है आपकी? दम की बात नहीं है कि राम मंदिर को उड़ा देंगे। क्या बात है, क्या बात, किसी के दम में नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम उड़ाएंगे क्योंकि बाबरी मस्जिद वहाँ बनाएंगे, चाहे जितने बंदे भी आ जाएं, चाहे जो भी आ जाए, चाहे जिस तरह का भी आ जाए, कोई उड़ा सकते। अच्छा ये बताएं कि आए दिन ऐसे लोग, हरकतबाज लोग, किसी मंदिर को, किसी मतलब धार्मिक स्थान को टारगेट कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, इनके साथ क्या होना चाहिए, क्या राय है आपकी? कुछ नहीं, आतंकवाद फैलाना चाहते हैं और कुछ नहीं है, इसको सरकार मुंह तोड़ जवाब दे रही है, इसके लिए कुछ कहना नहीं, सरकारें काम कर रही हैं अपने। अच्छा ये बताएं, यहाँ पर अभी हफ्ते 10 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर में 4 बार अटैक हो चुका, 10-12 लोग बस में मर भी गए, घायल भी हुए, इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि ये चीज़ें ना निरंतर कुछ ना कुछ चलता रहता है, जो साथ के लोग होते हैं उनका काम है कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करते रहना, तो अभी भी आज ही मीटिंग हुई है और इसके ऊपर बाकायदा काम चल रहा है और बहुत जल्द इसका परिणाम सामने होगा। अच्छा ये बताएं कि हमारे देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं, सबका समान अधिकार है, लेकिन फिर भी
इस तरह की जो घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, इस पर आपकी क्या राय है? ये होनी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं है। ये तो सारे जितने भी देशवासी हैं अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे तो ये चीज़ें नहीं होंगी। कभी कई बार होता है कि कुछ लोग लालच में आके इन लोगों को अपनी शरण में दे देते हैं, जिसकी वजह से काम होता है। हर देशवासी को अपना कर्तव्य समझना। आपका शुभ नाम? मैं कुलदीप झंडा साहब का। कुलदीप साहब, ये बताएं क्या काम करते हैं आप? मैं म्यूनिसिपल काउंसलर हूँ, बिजनेस करता हूँ। काउंसलर हैं आप? हाँ, मैं कौन से वार्ड के? उधर टाइपर रोड, टिब्बा रोड पे। क्या बात है साहब, आप बड़े सौभाग्य से मिल गए। अच्छा साहब, ये बताएं कि आतंकवादियों ने धमकी दिया कि राम मंदिर उड़ा देंगे, अब इस समय बहुत ज़्यादा वहाँ पर सिक्योरिटी लगा दी गई, बहुत ज़्यादा सर्च अभियान चल रहे, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता नहीं आतंकवादियों ने धमकी दी, कोई चाल हो सकती है, कोई शरारत हो सकती है किसी और ग्रुप की। नहीं नहीं, ऑडियो जो उनका है वो तो आउट हुआ है ना। ये तो पुलवामा में 300 किलो आरडीएस कैसे मिला, कैसे ब्लास्ट हुआ, सरकार तो हर बात को जानती है। सरकार को आपको क्या नहीं करना है? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सरकार जानबूझ के करवा रही है? सरकार जानबूझ के भले ही ना करवाए, इसमें मैं नहीं कह सकता सरकार ने जानबूझ के करवाई। सरकार के पास सभी सिक्योरिटी इनपुट होती है। अरे तो ये तो नहीं सरकार को पता था ना कि बस आ रही है और निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी जाएगी, ये तो नहीं उसके सरकार के पास है ना? वो तो फ्लाइट से जाते थे लोग। नहीं, जो अभी सरकार बस पर उन्होंने अटैक कर दिया, वो एक अलग बात है। जो श्रद्धालुओं वाली बस पर अटैक किया, उन्होंने अपनी उस दिन जो प्राइम मिनिस्टर वोट ले रहे थे उसको उन्होंने प्रोटेस्ट के तौर पर उन्होंने अपना एक दिखाया कि हम भी हैं। अच्छा साहब, ये बताएं कि जब से नरेंद्र मोदी साहब थर्ड बार प्रधानमंत्री का शपथ लिए हैं, चार बार तो अटैक हो चुका है जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का, क्या वो संदेश देना चाह रहे हैं लोग? मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। इनसाइड स्टोरी क्या है वो पीएमओ जानता है या वो ग्रुप जानता है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये समस्या का समाधान हो जाएगा, राम मंदिर को सुरक्षित रख पाएंगे लोग? राम मंदिर तो सुरक्षित है, हाँ है और रहेगा। तो कह रहे हैं उड़ाएंगे, वहाँ बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो नॉर्मल भी लोग हमसे कई लोग बोल चुके। ऐसा कुछ नहीं है, लगता नहीं हमको। धमकी है? लगता नहीं। आपका शुभ नाम साहब? गौरव पुरी। गौरव साहब, ये बताएं कि आतंकवादियों ने जो धमकी दिया है कि हम राम मंदिर उड़ा देंगे, पूरे देश में बड़ी चर्चा भी हो रही है, क्या राय है आप? देखो, धमकियाँ तो आज तक बहुत आई है, ऐसा ज़रूरी भी है कि उन्होंने तो ये बोला था कोई रेलवे स्टेशन उड़ा देंगे या कोई बस स्टैंड उड़ा देंगे, ये भी कोई उनकी चाल हो सकती है या कोई मुद्दा भटकाने का ध्यान हो सकता है। और मुझे नहीं लगता कि राम मंदिर को ऐसे कोई भी आतंकवादी ग्रुप उड़ा सकता है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि राम मंदिर अगर हिंदुओं के आस्था का केंद्र है तो इसको उड़ा के क्या हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई जो हमारे देश में रहते हैं आपस में ये लोग भड़काना चाहते हैं? नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी लगता है कि ये अगर कोई आतंकी सा घटक बोल भी रहा है कि हम इसको उड़ा देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का कुछ है। ऐसे तो बहुत धमकी आई है, मैंने आपको अभी भी बताया कि पहले भी बहुत धमकी आई कि ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, पर मुझे ये कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं लगता है। ये एक बस आप लगा लो कि सरकार बनी है तो शायद सरकार को डराने के लिए या चेतावनी देने के लिए कुछ हो। अच्छा, ये बताइए, क्या आपको लग रहा है कि इससे मोदी जैसे मजबूत दिल का आदमी प्रधानमंत्री हैं, हो तो क्या लगता है कि मोदी साहब इससे डर जाएंगे? देखो, जो भारत देश है, बहुत चाहे जहाँ से आप देख लो, जवाहरलाल नेहरू की तरफ से देख लो, इंदिरा गांधी जी की तरफ से देख लो, तब से हमारा जो एक डिफेंस क्षेत्र है वो हमेशा मजबूत होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी है तो अकेला यही होगा, ठीक है ना। डिफेंस क्षेत्र हमारा बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी प्रधानमंत्री जैसे किसी भी आतंकी संगठन से डर जाए। अच्छा, ये बताएं कि मोदी साहब थर्ड बार प्रधानमंत्री तो हुए लेकिन पूर्ण बहुमत इनको मिल नहीं पाई, और लोगों की ये उम्मीद है कि मोदी साहब हैं तो कोई नुकसान नहीं, तो लोग इनको वोट तो पूरा दिए नहीं, या नुकसान का पूरा उम्मीद है कि ये कुछ गलत होने नहीं देंगे, इस पर क्या भी है? तो पूर्ण बहुमत आने का जो लोगों ने फैसला लिया है वो यही है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सरकार कभी रह गई है, और हमारा विपक्ष भी बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। आगे ये पहले कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, पर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को ये पूरे वहाँ से मुक्त कर पाएंगे। आपका गुड नेम? माय नेम इज जसप्रीत। जसप्रीत कौर? हाँ जी। जसप्रीत, पढ़ाई करती हैं आप? हाँ जी, मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं, क्या बात है। अच्छा मैडम, ये बताएं आप
कि राम मंदिर को उड़ाने की धमकी आई है। इस समय देश में बहुत ज़्यादा चर्चा भी इस बात की चल रही, सिक्योरिटी बढ़ा देगी, क्या राय है आपकी इसमें? ऐसे शरारती लोगों का क्या सोच हो सकती है? पहली बात तो राम मंदिर कोई एक मतलब हो सकता है कि सीरियस टॉपिक है जहाँ पे लोगों की राय ली जाती है। आज भी देश में देखा जाए अनपढ़ता बहुत ज़्यादा है, लोग बेरोजगारी, पर फिर भी राम मंदिर का एक टॉपिक है जिसको आगे लोग लेकर कंसर्न में है कि यहाँ पर धमकी दी गई है। बट प्रायर लोगों को ये देखना चाहिए कि यहाँ पर लोग भूखमरी से मर रहे हैं, खाना नहीं मिलता है, बेरोजगारी है। सरकार को इस चीज़ के ऊपर कदम उठाने चाहिए रेदर देन कि हमारे राम मंदिर में क्या हो रहा है, गुरुद्वारे में क्या हो रहा है, मस्जिद में क्या हो रहा है। जी सर, अच्छा ये बताएं आप कि राम मंदिर हो गया चाहे दरबार साहिब हो गया, कोई भी धार्मिक प्लेस हो गया, तो ये बताएं ये भी तो हमारे देश में एक हमारा पहचान है ना, तो इसका भी जो डिफेंस, ये हमारे मॉन्यूमेंट्स है जिससे हमारी पहचान बनती है। पर हमें ये देखना चाहिए कि हमारी पहचान क्या है, हमारे देश के बच्चे हैं हमारा भविष्य। अगर हम आज एक मंदिर बना रहे हैं, कल दो और मंदिर बनाएंगे, इससे क्या होएगा? जनता पढ़ रही है, हमारा NTA जो आज का एक मेन मुद्दा है जहाँ पे नीट हुआ है, बच्चों के साथ इतना गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वो चीज़ें दिखानी चाहिए आपको। अच्छा मैडम ये बताएं, लेकिन राम मंदिर नॉर्मल मुद्दा तो है नहीं, राम मंदिर सिंगल एक मंदिर है जो 500 साल से इतने झगड़े में फंसा हुआ था, उसका सोल्यूशन निकल गया। तो जो जैश मोहम्मद की जो पार्टी है, जो आतंकवादी ग्रुप हैं, वो कह रहे हैं हम इनको उड़ा के मस्जिद बनाएंगे, इस पर आपका क्या कहना है? पहली बात, ये सारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि ऐसा हो सकता है कि प्रायर यहाँ पे कुछ हो जाए या वहाँ पर कुछ हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। रेदर देन यू हैव टू टेक परमिशन, आप यहाँ पे किसी भी मंदिर में जाके पहले पत्थर नहीं फेंक सकते, यू शुड बी रेस्क्यू कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। ऐसा सिर्फ टॉपिक ऑफ डिस्कशन करने से कुछ नहीं होगा, यू शुड फोकस ऑन देयर ओन ग्रोथ, देयर ओन डेवलपमेंट। और यहाँ पर ये सिर्फ एक राम मंदिर है या फिर ये एक गुरुद्वारा है, मस्जिद, इसके बजाय हम एक डॉक्टर्स हैं, हमारी खुद की एक नीड है, हम वहाँ पे 24 घंटे काम करते हैं। और यहाँ पर जब हम आके देखते हैं एक राम मंदिर के पीछे, एक मस्जिद के पीछे आके लोग लड़ रहे होते हैं लिटरली। अच्छा ये बताएं कि आप इस बात को कह रहे हैं, लेकिन जो धार्मिक है रिलीजियस, आई एम ऑल्सो रिलीजियस, मैं अभी अपने धर्म के गुरुद्वारे में होकर आई हूँ, मैं मेरे कॉलेज में मंदिर है, मैं वहाँ भी जाती हूँ। अच्छा ये बताएं, लेकिन ये तो प्रॉब्लम हर कंट्री में है, हर कंट्री में इस चीज़ को प्रायोरिटी तो दी जाती है ना, इस पर आप क्या करना? प्रायोरिटी ऑलवेज प्रायोरिटाइज करना चाहिए, हमें अपने धार्मिक स्थलों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, बट प्रायोरिटाइज तब करना चाहिए जब हमारी एजुकेशन फ्री हो, हमारे ट्रांसपोर्ट फ्री हो, हर चीज़ फ्री हो। बट हमारे को यहाँ पे ना ट्रांसपोर्ट फ्री मिलता है, ना एजुकेशन फ्री मिलती है। आज भी बच्चे, अगर आप दोपहर को निकलोगे, बच्चे मांग रहे होते हैं। अच्छा ये बताएं, आप एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट की बात की, तो क्या आपको लग रहा है कि फ्री हो सकता है, ऐसा कुछ है आपके दिमाग में? फ्री सरकार कर सकती है, इतनी कैपेसिटी है? अगर दिल्ली में काफ़ी चीज़ें फ्री हुई हैं, इलेक्ट्रिसिटी कम हुई है, सभी चीज़ें फ्री हो रही हैं, तो हो सकता है, होप कर सकते हैं कि यहाँ पर भी हो जाए। क्या आपको लग रहा है क्या क्या चीज़ें फ्री होना चाहिए जिससे बच्चों, देश का भविष्य ब्राइट, क्या क्या चीज़ें फ्री होना चाहिए? सिर्फ क्या ऐसी कुछ चीज़ों का नाम बताएं जो बिल्कुल कंपलसरी हों। इंटर्न कॉलेज तक, मतलब इंटर्न प्लस टू तक की स्टडी तो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट की। अच्छा ये बताएं आप, प्लस टू तक की स्टडी को फ्री बताएंगे, तो क्या सब बच्चे तो ऐसे हैं नहीं कि जो फ्री की ज़रूरत है? कुछ ही बच्चे तो हैं, बाकी तो पेरेंट्स। हाँ तो गवर्नमेंट स्कूल को करना चाहिए ना प्रमोट, गवर्नमेंट स्कूल हमारे ऐसे हैं कि जहाँ पे नहीं पढ़ा जा सकता। आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल, मैं इस चीज़ को कहती हूँ कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, बट आई हैव टू स्कोर 600 प्लस मार्क्स फॉर माई नीट, एंड देन आई हैव टू सिक्योर अ गवर्नमेंट कॉलेज इन MBBS। यू आर MBBS। आपका नाम? रमेश कुमार। तेज बोलिए। रमेश कुमार। रमेश साहब क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। अच्छा ये बताइए कि राम मंदिर को उड़ाने की धमकी आई है, क्या राय है आपकी? सर आपका गुड नेम? थोड़ा तेज बोलिए। सरबजीत। सरबजीत साहब ये बताएं कि राम मंदिर को उड़ाने की धमकी आई आतंकवादियों की तरफ से, क्या राय है आपकी? क्या राय है, ऐसे कभी हुआ है आज तक? धमकी तो रोज आती है। नहीं कभी आएगा, ऐसा हुआ दरबार साहब को उड़ाने की धमकी आई है, ऐसा हुआ कभी? होता कभी? लेकिन हमारे देश में दरबार साहब हो गया, राम मंदिर हो गया, ये तो हुआ आज तक? ऐसे हुआ कभी आज तक? परेशानी तो हो गई है ना पूरे देश में, अलर्ट तो हो। परेशान नहीं हुई यार, ऐसे तो सौंप कुत्ते भौंकते हैं।
अच्छा ये हुआ ऐसा हो सकता है ऐसा बताओ अगर सरकार मेरी बात सुनो इतनी मजबूत सरकार है क्या कर रही है फिर सरकार वही तो मजबूत सरकार है तीसरी बार ला दी आपने आ गई सरकार फिर वो क्या कर रही है सरकार तो अपना काम कर ही रही है वही ना सरकार का काम है ये मैं यार आप क्या इसमें क्या कर सकते हैं सर आपका गुड नेम मेरा नाम विजय धीमान धीमान साहब क्या करते हैं आप मैं अकाउंट डिपार्टमेंट में हूँ वही की जगह खड़ा रही है अकाउंट डिपार्टमेंट अच्छा साहब ये बताएं कि राम मंदिर को उड़ाने की धमकी आई है अच्छा। क्या राय है आपकी जिन्होंने धमकी दी है उनको उड़ा दो मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक स्ट्राइक करने में बहुत माहिर है बस तो क्या आपको लग रहा है कि इस समय कश्मीर जम्मू कश्मीर में बहुत तेज हलचल हो गई है सेना की अच्छा। सड़कों पर बहुत ज़्यादा रनिंग हो रही है तो क्या आपका लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं वही कुछ होने वाला है इस टाइम बिल्कुल होगा वही होगा क्योंकि अब देखो मोदी जी की सरकार बन गई है और वो पाकिस्तान का ही हाथ होता है इसमें सारा तो पता ही है सबको तो जैसे अब वो डर गए हैं हलचल तो होगी अच्छा ये बताइए जो थर्ड बार मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है क्या इनके आने से इतना बौखला गए लोग बिल्कुल ये तो 100% है इनके आने से ही बौखला गए क्या होना चाहिए फिर मोदी जी खुद संभाल लेते हैं वो तो सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो पहले भी करते हैं आए हैं फिर होगी आपका शुभ नाम सर मेरा नाम है राजेंद्र कुमार राजेंद्र साहब क्या करते हैं आप मैं वाइपर बनाता हूँ साहब ये बताएं कि राम मंदिर को उड़ाने की धमकी आई है ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए ये तो सर राजनीति है जी है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है इतना बड़ा देश है कौन किसका मंदिर उड़ा लेगा ये सब बकवास की बातें सब क्रिटिकल बातें अच्छा साहब ये बताएं कि मंदिर उड़ाने की बात आती है कभी कहते हैं हम ये उड़ा देंगे गुरुद्वारा उड़ा देंगे मस्जिद उड़ा देंगे इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं ये आतंकवादी क्या हमारे देश में क्या दहशत फैलाना चाह रहे हैं नहीं ये ऐसी है सब ये राजनीतिक तरीके से सब बातें हैं इसमें कोई लेन देन नहीं है आज तक कोई मंदिर उड़ाया भी है कितनी बार ये हो चुका है ये सारी पॉलिटिकल बातें हैं यानी कि कोई नहीं नहीं तो खुफिया एजेंसी से पता लगा ना अरे खुफिया एजेंसी वाली कौन सी एजेंसियाँ काम कर रही है अभी इलेक्शन के बाद ही उनको चेताना चाहिए खुफिया एजेंसी का यही काम है देश के भीतर इतने मुद्दे हैं महंगाई है बेरोजगारी है अनपढ़ता है अब लुधियाने में देखो पानी की कितनी समस्या है कोई है किसकी सरकार का ध्यान इसकी तरफ बिल्कुल नहीं है जमीनी जल स्तर कितना नीचे जा चुका है इसके ऊपर किसी भी सरकार का कोई भी काम नहीं बोल रहा यानी अब ये बरसात शुरू होगी मानसून की आप देखना हजारों लीटर पानी लुधियाना में सड़कों पे तैरेगा कोई वाटर सप्लाई का रेजिमेंट ही नहीं है अभी आने वाले समय में लोगों को पानी की दिक्कत ना है दिक्कत ना आई जो कि बहुत बड़ी किल्लत खड़ी होने वाली है आने वाले समय में देखना तो दोस्तों देखिए मैंने आपको दिखाया और मैं सबसे बातचीत भी किया काफ़ी लोगों से मैंने बात किया कि राम मंदिर के साथ जो छेड़छाड़ करने की उड़ाने की जो बात चल रही है उसमें लोगों की क्या राय है जो भी राय है लोगों ने जो अपना अपनी बात लोग बताए हैं कि क्या होना चाहिए वो सारा मैंने आपको दिखाया है तो दोस्तों अब आज का एक कार्यक्रम मैं ख़त्म कर रहा हूँ हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो न्यूज़ को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें धन्यवाद जय हिंद इजाज़त दीजिए